नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनुएस क्लास 12th पेंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। और दोस्त, आज की इस पेंटिंग के क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पेंटिंग की पूरी प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपको दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा और साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हम दोस्त कम टाइम में सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को कर लेते हैं तो पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दोस्त सिर्फ आपका जो पेंटिंग का ही जो सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 14 चैप्टर हैं और 14 चैप्टर्स में दोस्त अगर हम एक ही साथ करने लग जाए तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो मैं क्यों ना आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है, और मैं आपको नोट्स दे दूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं, जो पेंटिंग का पेपर होता है वो 30 नंबर का आपको दिखेगा क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ, क्योंकि 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर में इसे दोस्त आपको 20% दिया था TMA को, तो 30 का 20% हुआ था 6 नंबर, तो जो टोटल आपका थ्योरी का पेपर है वो 24 मार्क्स का है और 6 नंबर हो गया आपके TMA का, तो 24 में से आपको 8 नंबर लाना है पास होने के लिए। और 8 नंबर दोस्त इजीली आ जाता है, 8 मार्क्स क्या है यार। मैं तो चाहता हूँ दोस्त आपके टोटल 24 में से आउट ऑफ 24 आ जाए और TMA में पूरे मार्क्स आ जाए, तो दोनों दोस्तों मिला के 30 नंबर आपके ये हो गए। और 70 में से अगर आपके 60 भी आ जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, 50 भी आ जाते हैं, 55 भी आ जाते हैं, तो 90-85 नंबर दोस्तों कहीं नहीं गए पेंटिंग के अंदर। तो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है ये एनुएस बोर्ड का और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चले आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद आंसर्स, पहली चीज़ तो ये बताऊँगा, जो कि दोस्त हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। तो प्लीज़ वेट कीजिएगा और पेशेंस रख के दोस्त सभी चीज़ों को समझना। और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, जिस टॉपिक से बताऊंगा, वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उससे ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए दोस्त, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो दोस्त आपको फर्स्ट चैप्टर भी करना है, ठीक है। तो जो जो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। बाकी जो इस क्लास के एंड में आपको मैं कुछ वीडियोज़ दूंगा, आपको वो भी देखना है, ताकि एग्जाम्स की प्रिपरेशन 10-200 वीडियोज़ देख के ही आप कर लोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चैप्टर फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर फर्स्ट में जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कि किसी एक कलाकृति पर एक प्रसन्नात्मक टिप्पणी लिखी है। डैट मीन दोस्तों क्वेश्चन जो है, राइट एन एप्रिसिएटिव नोट ऑन एनी वन दोस्त आर्टवर्क्स आपको बताना है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मिला है। दोस्त ऐसे तो मैंने इस टॉपिक को डीपली अपने इस वाले वीडियो में समझा दिया है, अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली, आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पेंटिंग चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th, दोस्त इस वीडियो मैंने डीपली समझाया हुआ है, तो आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइम बहुत कम है दोस्त, अगर उसी टॉपिक को मैं फिर से समझाऊँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं फिर भी आपको जल्दी से एक आप इसका ओवरव्यू देता हूँ। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैं आपको दोस्त हल्के में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्त, जैसे जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की किसी एक कलाकृति। अब मैं पहले हिंदी मीडियम बताऊंगा फिर इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा, ताकि दोनों ही स्टूडेंट्स हमारे हिंदी इंग्लिश वाले सही से समझ जाए। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी का जो सभ्यता है दोस्त, इसका आपको पता होना चाहिए पहले सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, यानी जो इंडस वैली सभ्यता है वो है क्या। देखो दोस्त, ईसवी सदी यानी कि जो ईसा पूर्व है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट 2600 BC से लेकर, यानी कि बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1900 BC तक, दोस्त ये जो टाइम पीरियड है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। भारत के अंदर जो सबसे पहली सभ्यता है उसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जहाँ पे भारत में सबसे पहले लोग आप कह सकते हो कि सिविलाइज तरीके से रहना स्टार्ट किया उन्होंने, खाना पीना है ना, खेती बाड़ी करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा कौन कौन सी कलाएँ बनाई गई है, तो उनमें से कोई एक कला बताना है आपको। ऐसी कला तो दोस्त बहुत सारी बनाई गई है, काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई है, तो उनमें से कोई एक बताना है आपको। तो दोस्त इसी का आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, तो आप एक बना सकते हो इसके अंदर कोई सा भी, क्योंकि दोस्त इसी टाइम मेसोपोटामिया की मिस्र की सिविलाइजेशन भी हुआ करती थी, तो वहाँ पे जैसे मिस्र में पिरामिड वगैरह बनाया जाता था, तो वो भी काफ़ी फेमस था, ठीक है। यहाँ पे बता दिया आपको, द एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस वैली वन ऑफ द वर्ल्ड्स सूनेस्ट सिविक एस्टेब्लिशमेंट्स, यानी दोस्त जो जिस तरीके से वो मूर्तियाँ बनाया करते थे इंसानों की, दोस्त अगर आपको मूर्ति में दिखाऊँ जो मैंने आपको चैप्टर समझाया है उसके अंदर पूरा मैंने पिक्चर्स के द्वारा समझाया, ठीक है। जो मैंने आपको वीडियो बताई इस वीडियो में आपको पूरे पिक्चर में समझाया हुआ ये, ठीक है। तो उसमें इंसानों को दोस्तों बनाया करते थे, एंड जो स्टार्टिंग होता था दोस्त इस टाइम पीरियड का, लगभग कह सकते हो आपके ये ब्रोंज एज में हुआ करता था। ब्रोंज एज उस एज को कहा जाता है जब इंसान ब्रोंज का यानी कि ताम्र पाषाणिक तांबा का यूज़ किया करते थे, ना ब्रोंज एज अगर देखें तो उस कांसा वगैरह जो टीन और कांसा को मिला के बनता है, ठीक है, स्टील और ब्रोंज
एंड दोस्तों हड़प्पा सिविलाइजेशन दोस्तों और चीज़ों के लिए फेमस था, जैसे कि स्कल्पचर्स के लिए जो कि स्टोन से लोग उस टाइम यूज़ करते थे, एंड मूर्तियाँ बनाते थे मेल फीमेल दोनों की मूर्तियाँ बनाते थे। दोस्तों यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की भी मूर्तियाँ मिली हमें, तो ये भी सब जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। देखो डांसिंग गर्ल पे क्वेश्चन आना ही आना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे जो स्कल्पचर्स दोस्त जो पाए गए हैं हमें, वो मेटल और मिट्टी से चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है हमारा। और जो मैं आपको इसलिए हल्के में बता रहा हूँ दोस्त, क्योंकि जो मेरी ये वाली वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको डीपली ऑलरेडी बता दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर के लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस क्लास के बाद इस वाले वीडियो को देखना, और अभी मैं कुछ और वीडियोस और देने वाला हूं आपको, वो भी देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है इस चैप्टर से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी कला की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि दोस्तों डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द इंडस वैली आर्ट, यानी कि जो इंडस वैली आर्ट थी उसकी दोस्त कुछ फीचर्स बताने हैं हम सभी हमको। ठीक है, तो दोस्तों हम इसका फीचर्स पहले बात करते हैं। फीचर्स में कौन कौन से, देखिए जो भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर दोस्त, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आज जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्त, आज वो पाकिस्तान के अंदर आता है। पहले वो भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, तो दोस्त पहले भी भारत में ही आया करता था ये हड़प्पा। तो सिंध का जो एरिया है, पंजाब का जो वेस्ट का जो एरिया है, वहाँ पे पूरा ये बसा हुआ था। बहुत बड़ा सभ्यता था, बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था ये, तो यहीं पर लोगों का सबसे पहले रहना सहना खान सान है ना ये सब हुआ। तो हिस्ट्री का ये चैप्टर भी है, फर्स्ट चैप्टर दोस्त अगर देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पूरा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे हमारे, तो उसमें थर्ड चैप्टर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर, तो उसमें भी हमारा ये पार्ट है। तो हिस्ट्री वाले बच्चे उसको इजीली कर ही लेंगे आराम से। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट क्या है हमें जो बताया गया है, मेनली जो फीचर्स आपको बताने हैं। देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांस्य कलाकृतियाँ, यानी कि जो ब्रोंज की मूर्तियाँ मिली हैं हमें, कांसा की बनी हुई कृतियाँ मिली है ना, और इनके मूर्तियों के साथ साथ हमें मनके मिले हैं। मनके मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंट्स मतलब अगर देखो जो गले में मालाई पहनते हैं हमें, माला वगैरह है ना, छोटे छोटे मोतियों के माला आज हम पहनते हैं, तो उस टाइम पहले मनके पहनते थे। तो यहाँ पे दोस्त हमें स्कल्पचर्स मिले हैं, ठीक है, एंड पोएट्री मिले हैं हमें, साथ ही दोस्त यहाँ पे ऑर्नामेंट्स यानी कि हमें यहाँ पे मनके यानी मोतियों के माला मिले हैं, जो कि टेराकोटा पत्थर और तमाम दोस्तों धातु व मेटल से बनाया जाता था। एंड इस टाइम दोस्त हुमेन और एनिमल्स के फिगर्स इस तरह के बनाए जाते थे, तो टोटली रियलिस्टिक लगता था, देखने में लगता था बिल्कुल ही रियल है ना, जो कि इंसानों के द्वारा उस टाइम बनाया जाता था दोस्त, है ना, जब ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट का टाइम है, तो उस टाइम तो इतना रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते, तो हम कह सकते हैं कि ये लोग इस टाइम के लोग काफ़ी मतलब कि दोस्त एडवांस्ड है, वो साइंटिफिक तरीके से वो चीज़ों को बनाना सीख चुके थे, क्योंकि दोस्त काफ़ी केयरफुल मैनर में यानी बिल्कुल सावधानी से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा काल में हम पाते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान प्रगतिशील थी, यानी कि दोस्त इन हड़प्पन पीरियड वी फाउंड डैट वुमेन वर इक्वली एडवांस एज मैन। दोस्त अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई देखो इनइक्वालिटी जैसा टर्म नहीं था कि वुमेन्स को कम समझा जाए मेल के मुकाबले में, तो ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए दोस्त क्योंकि जो हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है, महिलाओं को रिस्पेक्ट दिया जाता था, है ना, बिल्कुल रिस्पेक्टेड के दर्जे देखा जाता था और इक्वल माना जाता था, और हर काम में जैसे कोई भी काम दोस्त मेल कर रहा है तो वो काम में महिला यानी कि जो फीमेल है वुमेन से, वो भी साथ मिल के क्या करते थे, है ना, कंधे से कंधा हाथ मिला के करते थे, ताकि चाहे वो खेती बाड़ी हो यार दोस्त, है ना, या पशुपालन है ना, हस्बेंड्री वगैरह जो भी इस तरीके से करना हो, उसमें महिला भी पार्टिसिपेट करती थी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाओं के साथ दोस्तों इनइक्वालिटी किया जाता हूँ, तो ये तो बाद के आने वाले टाइम में जो हमारा वैदिक एज आया उसके अंदर ऐसा स्टार्ट हुआ था, बट पहले ऐसा नहीं था, है ना। तो पूजा पाठ वगैरह में उनको पार्टिसिपेट करने की दोस्त बिल्कुल ही आज़ादी थी इस टाइम, एंड हड़प्पा काल में अब क्या हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है एंड मैन है दोनों ही इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि इक्वल थे, ठीक है, हड़प्पन इसके अंदर। तो ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, सेकंड चैप्टर से आते हैं हम, जो नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है हमारा। देखो फर्स्ट चैप्टर में जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, यानी जो स्कल्पचर्स हैं उनको मैंने डिस्क्राइब कर रखा है इस वाले वीडियो के अंदर, इसलिए दोस्त मैं कोई और इसमें एक्स्ट्रा नहीं बता रहा। देखो दोस्तों ये रही मूर्तियों वाली, ठीक है, जो मैं मूर्तियाँ बता रहा हूँ आप सभी को, ये रही वो मूर्तियाँ। देखो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, तो ये सारे कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, ये पुरुष यानी कि मेल आप गॉड कह सकते हो इनको, है ना, पुरुष देवता के रूप में जाना जाता है इनको, ठीक है। तो ये इस वाले चैप्टर मैंने आपको समझाया हुआ था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर यही हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर क्या है, मौर्यकालीन बौद्ध कला में प्रमुख योगदान क्या है, यानी कि जो व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मौर्यन टू बुद्धिस्ट आर्ट, यानी तो जो मौर्य साम्राज्य था यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया बुद्धिस्ट
आर्ट को डेवलप करने के लिए, तो इन्होंने अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इनका क्या क्या योगदान था, इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि बुद्ध भगवान के यानी कि जो भी उनकी जो आर्ट वगैरह है ना वो काफ़ी डेवलप हुई, तो आपका इसका आंसर क्या बताना है। चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मौर्यकालीन जो कला है वो भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है, यानी कि जो स्तूप है, क्योंकि मौर्य काल के अंदर ही दोस्त जो स्तूप बना, ठीक है, उस स्तूप को बनाने में अशोक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, सम्राट अशोक का, काफ़ी दोस्त ग्रेट अशोक का किंग कहा जाता है उन्हें, तो अशोक ने ही दोस्त बुद्धिस्ट में स्तूप को बनाने में बनवाने के लिए, या दोस्त बुद्ध भगवान के यानी कि जो बुद्धिज़्म है उसके एजुकेशन को, उसके टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए अशोक ने तमाम देशों में दोस्त जैसे चीन हो गया, बर्मा हो गया, इन सब देशों में लोगों को भेजा था अशोक ने, है ना, तो इसको प्रमोट करने में अशोक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एंड बुद्धिस्ट जो रिलीजियस जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनको बनवाने में अशोक का एंड है ना स्तूप वगैरह बनाने में कंट्रीब्यूशन रहा इनका, क्लियर है। तो मौर्य काल के तो जितने भी दोस्त मौर्यन जो आर्ट्स है इनके अंतर्गत जो कास्ट के स्थान पर पाषाणों के प्रयोग के स्याही का आप कह सकते हो कि स्टेबल तरीके से ऐसे कलाओं का यूज किया जाता था, हम इनको क्या जगते हैं पर सिंपल क्या होते हैं दोस्त, यानी कि जैसे चिकनी मिट्टी हो गए है ना, एंड इन सब के द्वारा कोई भी मतलब कि बुद्ध भगवान की मूर्तियां बना के स्पेशली दोस्त इस तरीके से उनको बनाया जाता था ताकि मतलब कि इस तरीके से शेयर किया जा सके और लोग समझ सके कि हाँ भाई बुद्ध भगवान जी हैं और उनकी शिक्षाओं को समझ सके। एंड दोस्त अशोक के द्वारा यानी कि पिल्लर्स बिल्ट बाई अशोक फर्निश द फाइनेस्ट रिमेन्स ऑफ द मौर्यन आर्ट, यानी कि दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है जो कि बौद्ध धर्म के अंदर अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो पिल्लर्स बनाए गए थे धम है ना वो सबसे दोस्त इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्लियर है दोस्त। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन तीर्थंकर, तीर्थंकर मतलब दोस्तों यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है तीर्थंकर, तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु, आप जैसे कि हम हमारे में जैसे गुरु होते हैं, गुरु के शिष्य है ना, फ्लोवर्स वगैरह ऐसे होते चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड है आप इसका मीनिंग सिंपल समझ लो, तीर्थंकर मतलब होता है गुरु, तो जितने भी जैन धर्म के जितने भी गुरु हुए हैं तो उन्हीं गुरु की दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक। टोटल दोस्तों 24 गुरु हुए हैं, इसमें पहले जो थे वो थे ऋषभनाथ, जो पहले थे वो ऋषभनाथ थे जिन्होंने जैन धर्म को बनाने वाले संस्थापक फाउंडर कह सकते हो। 23rd जो थे वो थे दोस्त पार्श्वनाथ, और 24th थे वो सबसे ग्रेट कहलाए, बहुत महान बने, वो थे महावीर स्वामी जी, ठीक है, कौन थे, महावीर स्वामी जी। तो आपको जो क्वेश्चन है पूछा गया हमें पहले ये बताना है जैन तीर्थंकर की प्रतिमा की मुख्य विशेषताएं क्या, यानी कि दोस्त राइट द मेन फीचर्स ऑफ द दोस्त जो स्टैचू बनी गई है जैन तीर्थंकर की उनके बारे में बताना है आपको कि मेन स्टैचू की क्या क्या उनकी यानी कि फीचर्स आप कह सकते हो कि क्या क्या है। देखिए दोस्त चलिए बताते हैं हम इनके बारे में दोस्तों जो इनकी फीचर्स हैं। देखिए सबसे पहले जो जैन तीर्थंकर हैं जितने दोस्तों जैन तीर्थंकर होते हैं मेन जो उनका फीचर्स है, ठीक है, तो जैन तीर्थंकर के जो पेड़ के पास दोस्तों काफ़ी सारे मतलब कि मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई है बैठे हुए है ना, यानी कि मेडिटेशन करते हुए दोस्तों मूर्तियाँ बनी है, सिर के ऊपर अलग अलग मतलब कह सकते हो कि पेड़ है। अगर सिंपल में बताऊं दोस्त तो इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ द हेयर ड्रॉपिंग, अगर दोस्त आप इनके पिक्चर्स को देखोगे तो इस तरीके से बनाएगा जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, और जो उसके बाद दोस्तों जो पार्श्वनाथ है ना, एंड इस तरीके से बनाया गया जो कि स्नेक हुड के तरीके से बनाया गया, यानी कि वो बैठे हुए हैं उनके पीछे मतलब दोस्तों जैसे विष्णु भगवान जैसे पीछे कैसे उनके पीछे मतलब स्नेक वैसे ही दोस्त इनके पीछे भी दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा इनका दोस्त पेड़ों के ऊपर ट्रीज और उसके ऊपर थोड़ा मतलब कि डिजाइनिंग पेड़ों की और इस तरीके दिखाया गया जो कि जिसमें स्नेक हुड को बनाया गया है, ठीक है, तो इसका कुछ फीचर्स है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर से दोस्त कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे मेन, थर्ड चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्त, फर्स्ट चैप्टर भी सेकंड चैप्टर भी और थर्ड चैप्टर भी, ये तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आएगा ही, जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थर्ड चैप्टर का, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि व्हाट डू यू नो अबाउट अजंता केव्स। देखो ये केव्स यानी जो गुफाएँ हैं ये इसलिए ही फेमस है क्योंकि जो भी जिस अपने टाइम पे होते हैं उस टाइम में काफ़ी उनका मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्त अगर हम अजंता की गुफाओं की बात करें तो जो अजंता की गुफा है ये लगभग 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया है जो कि बौद्ध धर्म के अंदर जितने भी बौद्ध के फ्लोवर्स हैं दोस्त जो बौद्ध धर्म के जो निशानी हैं या कह सकते हो जो उनकी पहचान है ना उसके याद में ये गुफाएं बनाई गई है। कब 2nd सेंचुरी BC यानी 2nd सेंचुरी ईस्वी पूर्व में,
यहाँ बहुत जितने बौद्ध धर्म से तो जितने भी संबंधित जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, जो भी आर्ट वगैरह हुए हैं, ठीक है, वो उन सभी चीज़ को इन गुफाओं में रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अजंता है ये एक जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के पास एक जगह है जिसका नाम है अजंता। तो वहाँ पे हमें गुफाएं मिली है, उस गुफा के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड हमें काफ़ी सारे पेंटिंग्स पाई गई है जो काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। ठीक है, बिल्कुल उन्हें देखने में बिल्कुल सच्ची लगती है। तो द अजंता केव्स कंस्टिट्यूट है कहाँ पे, एंशियंट दो टाइम पीरियड के अंदर जो वर्शिप होल्स कह सकते हो आप इसको, है ना, एक जहाँ पे लोग जो फॉलोवर्स हुआ करते थे बुद्धिज्म के, वो जहाँ पे बैठ करते थे, यानी वर्शिप होल्स है ना, उनको याद करना, जो बुद्ध भगवान जी उनको याद करना आप इसे कह सकते हो। एंड और उसी टाइम वो बैठकर वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनाया करते थे, इसलिए एक बुद्धिस्ट एक ट्रेडिशन चल गया। और दोस्त इस टाइम जो भी वहाँ पे लोगों ने क्या किया, वॉल ऑफ रॉक यानी कि दीवारों पे दोस्त वहाँ पे काफ़ी सारे पेंटिंग बना दी जो आज भी हमें मिलती है अजंता की गुफाओं के अंदर, अजंता की केव्स के अंदर। और दोस्त हम कह सकते हैं कि आज इस टाइम ये बुद्ध जी का काफ़ी पहचान बन चुकी है इससे, है ना। और दोस्त जो आर्यंस जो थे उन्होंने अपना दोस्त कह सकते हो कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और जो स्क्रप्चर्स बने जो बुद्धिज्म के वो काफ़ी फेमस हुए इस टाइम के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, अजंता के चित्रकारों की कलात्मक उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन करिए, यानी कि ब्रीफली असेस द आर्टिस्ट कौन दोस्त आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ अजंता पेंटर्स, यानी कि जो अजंता के जो पेंटर्स हैं उनके क्या क्या अचीवमेंट रही है। तो दोस्त इनमें कौन कौन है, चलिए पहले नाम जानते हैं। हाँ ये रहा दोस्त, ये देखिए अजंता के जो चित्रकार हैं उन्होंने दोस्त जिस तरीके से पेंटिंग को बनाया है तो वो काफ़ी फेमस रहे हैं, तो इनमें चलिए पहले जानते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है तो समझ सकते हो। देखो अजंता पेंटर्स वर गाइडेड बाय अ प्रोफाउंडली डेवलप्ड, इसके द्वारा दोस्त शेडिंग मिक्सिंग टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट इंप्रेशन विद थ्री डायमेंशनल इफेक्ट्स, यानी कि जो अजंता के दोस्त जो गुफा में जो पेंटिंग्स हमें मिले हैं वो शेडिंग मिक्सिंग थी, यानी कि उसमें शेडोज वगैरह और यानी कैसे तो कि छायांकन मिश्रण का यूज किया गया था, यानी देखते हो कोई इंसान के जब पिक्चर बनाई जाती है तो उसके पीछे भी शेडो हमें दिखती है, तो उस तरीके से शेडिंग मिक्सिंग इसमें किया गया था, है ना, जो कि काफ़ी इंप्रेशन देता था लोगों में देखने के बाद। और जो चीज़ थोड़ा थ्री डायमेंशनल था, तीनों तरफ से इसको बनाया गया था और इसके इफेक्ट्स काफ़ी मतलब इस तरह के थे जिसको दोस्तों आप कह सकते हो कि देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लगता था। ठीक, द मेथड ऑफ गिविंग द पोर्ट्रेट टू इम्पैक्ट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया द केव आर्ट ऑफ अजंता, यानी कि दोस्त इस तरीके से बनाया गया था जिसमें भारत में अजंता को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था, या कह सकते हो कि तो पूरी भारत की सुंदरता को दिखाया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप फिफ्थ चैप्टर पे आते हैं। फिफ्थ चैप्टर दोस्तों देखो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्त, कहीं आप भूल ना जाओ यार। थर्ड चैप्टर के बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो फिफ्थ चैप्टर, तो जो जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा वही करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बाद फिफ्थ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्त फिफ्थ चैप्टर में क्या है ऐसा, चलिए जानते हैं फिफ्थ चैप्टर में क्या है। आइए दोस्तों फिफ्थ चैप्टर में दो सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, नटराज की मूर्ति की सौंदर्यात्मक बनावट का उल्लेख अपने ही शब्दों में कीजिए, यानी कि राइट द, क्या करना है दोस्त आपको कि जो डिज़ाइन है यानी कि जो स्टैटिक जो डिज़ाइन है नटराज स्कल्पचर पे उसके बारे में बताना आपको। तो सबसे पहले हम नटराज के बारे में जानते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए जो नटराज की मूर्ति है वो एक शिव जी का दोस्तों नाम है नटराज, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, नटराज शिव जी का दोस्त एक रूप है जिसमें शिव जी को एक नाचता हुआ दिखाया गया है, क्योंकि नट का ये जो दोस्त नट नट का मतलब ही होता है कला और राज का मतलब होता है राजा, तो नटराज यानी कि दोस्त आप कह सकते हो कि दोस्त डांस का राजा कह सकते हो, है ना, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये है तांडव के राजा कह सकते हो शिव जी को यार, तो पता ही आपको जब तांडा शिव जी करते थे अलग ही दुनिया देखती थी यार, है ना, तो शिव का स्वरूप सिर्फ उनके संपूर्ण काल और स्थान को ही दर्शाता है इसके अंदर। और अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखा दूँ तो शिव द हिंदू गॉड ऑफ द डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज नटराज, यानी कि दो हिंदू भगवान के अंदर यानी कि हिंदू में इनको नटराज के नाम से भी जाना जाता है, जिनको नटराज का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ डांसर्स। ठीक है, संस्कृत का एक वर्ड है दोस्त नट, और नट का मतलब होता है डांस, और राज का मतलब होता है मींस क्या लॉर्ड यानी कि भगवान कह सकते हो आप या राजा कह सकते हो आप। द विजुअल इमेज ऑफ नटराज अचीव्ड कहाँ पे दोस्त है, कैनिकोनियल फॉर्म दी ब्रोंज, यानी दोस्त ये ब्रोंज से बना हुआ है, पूरा कांसा से बना हुआ है, ये पीतल का समझ सकते हो, पीतल के रूप में
ब्रोंज में बना हुआ है ये, ठीक है। किसने बनाया इसको, ये चोल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। किसके द्वारा, चोल डायनेस्टी। जैसे दोस्त चोल वंशों का राज हुआ करता था भारत के साउथ पार्ट के अंदर, ठीक है, जो साउथ जो दक्षिण भारत है, चोल चेल पांडे, तो उनमें ही जो डायनेस्टी थी वो चोल डायनेस्टी, चोल वंश। जैसे कि दोस्त मेरा नाम है मनीष वर्मा, तो वर्मा वंश का हूँ मैं, तो वैसे ही दोस्त ये चोल वंश है, ठीक है। चोल यानी सरनेम हुआ करता था इनका चोल, तो इनको ही चोल डायनेस्टी कहा जाता था। तो जितने भी चोल के राजा हुए उनके द्वारा इनके इसको बनाया गया था, ठीक है, चोल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 10th century AD में बनाया गया था, ठीक है। यानी दोस्तों हमें जो अगर देखें इस टाइम तो 10वीं शताब्दी दोस्त आसपास हमें ये मिला है, क्लियर है। एंड आगे वाले दोस्तों टाइम के अंदर मेटल में, स्टोन में, अलग अलग मेटल्स में इसको बनाकर प्रोड्यू यानी कि रिप्रोड्यूस किया गया और आगे चल के इसको प्रमोट किया गया। एंड चोल जो नटराज जो दोस्तों इस टाइम दिख रहा है आपको, ये सुप्रीम स्टेटमेंट है हिंदू आर्ट का। यानी दोस्त हिंदू धर्म के अंदर जो सबसे सर्वोत्तम जो कला है वो नटराज को माना जाता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दे दिया है आपको ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है अब उसको देखते हैं। टाई ऑफ और देखो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सही से समझना। टाई ऑफ ऑफ लेवर मूर्ति क्या दर्शाती है, तो यहाँ पे एक स्कल्पचर है जिसका नाम है ट्रायंफ ऑफ लेवर। तो ट्रायंफ ऑफ लेवर जो स्कल्पचर है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। देखिए दोस्तों जो ट्रायंफ ऑफ जो लेवर है, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्त इस पूरे ये देखिए पहले आप इस इमेज के अंदर, इस इमेज में इसका आंसर है। यहाँ पे दोस्त अलग अलग लेवर्स को दिखाया गया है जो कि बड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे रॉक यानी कि पत्थर दिख जाएगा, ये इसको हिलाते हुए दिखाया गया है। दोस्त अपनी मेहनत से पूरी पूरी ये हिला रहे हैं, सारे लेवर्स हैं, तो इसमें लेवर्स की मेहनत को दर्शाया गया जिसमें दोस्तों चार लोग मिलकर पूरे इस पत्थर को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो द ट्रम्फ ऑफ लेवर ऑल्सो नोन एज द लेवर स्टैचू वॉज स्कल्प्टेड, किसके द्वारा बनाया गया दोस्त, ये देवी प्रसाद रॉय चौधरी के द्वारा बनाया गया है। दिस स्टैचू इज लोकेटेड एट कहाँ पे दोस्त, ये मरीना बीच पे है जो कि चेन्नई में है भारत इंडिया में। दिस स्टैचू डेपिक्ट फोर मेन ट्रोलिंग, दोस्त यहाँ पे दोस्त लगभग चार लोगों के द्वारा इसको हिलाया जा रहा है। मूव अ रॉक विच सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट द हार्ड वर्क ऑफ लेबरिंग क्लास, क्लियर है दोस्त, ये लेबर क्लासेस के जो भी हार्ड वर्किंग है उनको दर्शा रहा है ये, तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श्री डीपी रॉय चौधरी का कला के क्षेत्र में क्या योगदान है, यानी कि दोस्त आपको कंट्रीब्यूशन बताना है श्री देवी प्रसाद रॉय चौधरी का। जैसा कि जो हमें लेबर वाली पिक्चर देखी हमने हमने तो इन्होंने दोस्तों बनाया था ये लेबर वाली जो पिक्चर है ना, ये वाली पिक्चर ये इन्होंने ही बनाया था, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम पहले इसको भी थोड़ा देख लेते हैं यार, ठीक है। देखिए देवी प्रसाद जो रोज जो थे यार, ये एक के MBA थे, है ना, MBA इन्होंने दोस्त लगभग कह सकते हो क्या हुआ था। एंड भारतीय मूर्तिकार एक के इंडियन स्कल्पचर थे, पेंटर थे, है ना, और इस ललित एक कला अकादमी है दोस्त उसके ये संस्थापक थे, ठीक है, यानी कि फाउंडर भी थे। तो ये कांस्य मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, यानी दोस्त ये ब्रोंज के स्कल्पचर्स बनाया करते थे, इसलिए काफ़ी फेमस हुए ये। इसमें ट्रायंफ ये जो अभी देखा ना दोस्तों, ट्रायंफ ऑफ लेबर एंड शहीद स्मारक शामिल हैं, और कई लोगों द्वारा उन्हें आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख कलाकारों में से दोस्तों गिना जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है इनको ऐसा, इसलिए क्योंकि ये दोस्त इन्होंने क्या कहा कि इनका ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर इन्होंने स्कल्प्टर भी थे, ये पेंटर भी थे, फाउंडर एंड चेयरमैन थे किसके, ललित कला अकादमी के। एंड दोस्त इन्होंने जो ब्रोंज के जो स्कल्प्टर्स बनाए इसके लिए काफ़ी फेमस हुए। साथ ही दोस्त ट्रायंफ ऑफ लेबर इसका एग्जांपल है, और इन्होंने मार्टियस मेमोरियल बनाया जो शहीदों के लिए एक आप कह सकते हो मेमोरियल बनाया, जो हमारे भारत के लोग शहीद हुए थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो, तो उनके लिए भी इन्होंने एक मेमोरियल बनाया, उसमें काफ़ी सारे मतलब कि मूर्तियाँ बनाई थी उन लोगों की इन्होंने, तो काफ़ी ये फेमस हुए। एंड आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया आर्ट इनको कहा जाता है, यानी कि जितने भी हमारे मेजर आर्टिस्ट हुए है ना, जितने भी प्रमुख महत्वपूर्ण हमारे पास आर्टिस्ट, उन सभी मेजर आर्टिस्ट में एक ये भी महत्वपूर्ण यानी कि एक इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे मॉडर्न इंडियन आर्ट के, क्लियर दोस्त। अब हम करेंगे 7 चैप्टर। इससे पहले दोस्त जो हमने चैप्टर किया है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो जो चैप्टर कर रहे हैं हमने 5th चैप्टर कर लिया, 5th चैप्टर के बाद जो हमारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो 7th चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो चैप्टर मैं स्किप कर रहा हूँ उसको बाद में टाइम मिले तो करना, वरना छोड़ देना यार, ठीक है। लेकिन जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ उसको पहले ही कर लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। चलिए अब हम बात करते हैं 7th चैप्टर की। 7th चैप्टर में क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्रकला में यूज होने वाली, जैसे प्रयुक्त मतलब क्या होता है, यूज होने वाली, ठीक है, होने वाली तकनीक लिखी, यानी कि राइट द टेक्निक ऑफ यूज इन किस में दोस्त, मिनिएचर पेंटिंग में, है ना,
लघु चित्रकला यानी छोटी छोटी जो कलाओं के द्वारा बनाया जाता था उनमें किन किन टेक्निक्स को यूज किया जाता था ये हमें बताना है दोस्त। तो देखो सबसे पहले जो इसका आंसर क्या है वो है टेक्निक्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। इसमें दोस्त का यूज किया जाता था, इसमें मिनरल्स यूज किया जाता था, वेजिटेबल्स भी यूज किया जाता था, है ना। पीछे पीछे देखो दोस्तों पेड़ पौधों में दिखाने के लिए, सजाने के लिए, है ना। एंड इसमें प्रीसियस स्टोन्स यूज किए जाते थे, काफ़ी सारे मतलब पत्थर यूज किए जाते थे इसमें छोटे छोटे पीस, जैसे कि हम देखते हैं ना आज तो बहुत वाइट वाइट कलर के पत्थर काफ़ी महंगे हुआ करते थे, जिसे हमारे जो ताजमहल बना है संगमरमर की पत्थर, तो वैसे इसमें काफ़ी प्रीसियस पत्थर यूज किया जाता है, स्टोन इंडिगो यूज किया गया इसमें दोस्तों ने, कोसेल्स यूज किए गए हैं, गोल्ड भी एंड सिल्वर भी इसमें यूज किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स इसमें यूज किए गए हैं इसको मतलब कि कह सकते हो कि इसको फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, जिससे दोस्त काफ़ी इसकी ब्यूटी इंक्रीज हो जाती है, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, पेंटिंग फॉल्कन ऑफ ऑन द वर्ल्ड रेस्ट का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द पेंटिंग फॉल्कन ऑन द वर्ल्ड रेस्ट। इसका मतलब दोस्तों क्या है, चलिए पहले आपको मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। देखिए इस पेंटिंग में बाज गद्दीदार वर्ल्ड रेस्ट में बैठा हुआ है ना दोस्तों, यानी कि जो पेंटिंग है जिसके बारे में बात की जा रही है इसका नाम क्या है, फॉल्कन ऑन द वर्ल्ड रेस्ट। इसका मतलब दोस्तों यह है इस पेंटिंग के अंदर एक कह सकते हो कि जो फॉल्कन है वो एक सिटिंग पोजिशन में है, और इसमें क्या है दोस्तों कि आप कह सकते हो कि उसकी आंखें बहुत तेज है, और यह उसकी एक उसकी फीचर है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बाज की आंखें बहुत तेज होती है, और सफ़ेद रंग में दोस्तों उसको दिखाया गया है, उसके मुड़े हुए पंख दोस्त काफ़ी भूरे रंग के पेंटिंग से बनाई गई है, और पीले रंग में रंगा गया था, उसकी आंखें गहरे पीले और हल्के भूरे रंग से बनाए गए हैं। तो दोस्तों यही चीज़ आपको बता रहे हैं इसमें, वर्ल्ड रेस्ट हिज आईज आर वेरी शार्प एंड इट्स ऑल्सो शोज इट्स शार्प फीचर्स द फॉल्कन वॉज दोस्त पेंटेड इन क्या दोस्त है, वाइट विद डिटेल्ड ब्राउन पेंटिंग डन हिज फोल्डेड विंग्स, यानी कि दोस्तों उनके जो पंख है वो है ना उसको काफ़ी ब्राउन से भी मतलब पेंट किया हुआ है बिल्कुल रियलिस्टिक लगने के लिए। बैकग्राउंड वॉज पेंटेड येल्लो, हिज आईज वर पेंटेड विद डीप येल्लो एंड लाइट ब्राउन, क्लियर है दोस्तों। ये इसका बिल्कुल ईजी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों आप देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल लघु चित्रकला की विशेषता बताना, यानी कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुगल मिनिएचर पेंटिंग। मुगल काल के अंदर दोस्त जिसके अंदर चाहे बाबर है ना, बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, दोस्त शाहजहाँ, औरंगजेब, दोस्त देखो टोटल छः हमारे पास राजा रहे हैं, तो इनमें दोस्त जो मेन मेन जो अकबर के द्वारा बनाई गई है ना, चाहे दोस्त शाहजहाँ के द्वारा, तो उनके बारे में बात करना है। देखिए मुगल लघु चित्रकला के बारे में बताना है, तो रमजानमा, देखो दोस्त यहाँ पर ध्यान रखना, रजमनामा क्या दोस्त, रजमनामा पांडुलिपि को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है, यानी कि द फर्स्ट मुगल मिनिएचर जो है पेंटिंग में वो दोस्त इस टाइम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा लोगों को मिल नहीं पाया है ना, बट काफ़ी सारे यानी कि जो फ्लोर्स हैं, कारपेट्स वगैरह हैं, क्लोथ वगैरह ये हमें वहाँ से मिली है, और सीलिंग बने हुए मिले हैं जहाँ पर वो रहा करते थे, एंड वहाँ पर दोस्त फाइनली हमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन मिली है इंडियन और पर्शियन पेंटिंग्स की। तो हम कह सकते हैं कि जो मुगल पीरियड के जो राजा हुआ करते थे वो इंडियन और पर्शियन दोनों को टेक्निक का यूज करके कॉम्बिनेशन करके पेंटिंग्स को बनाए करते थे, एंड जो वहाँ के जो फ्लोर्स मिली हमें, कारपेट्स वगैरह मिले हैं वहाँ पे, मेजर जो उनके द्वारा यूज करने वाले जो कपड़े वगैरह मिले हैं, और जो वहाँ की छत जो सीलिंग हुआ करती थी उनसे हमें ये पता चलता है कि दोस्त बनावट कुछ इस तरीके से थी जिसमें इंडियन और पर्शियन दोनों ही जो मतलब कि आर्ट है उनका कॉम्बिनेशन करके बनाया गया था, क्लियर है। तो अकबर के समय भी काफ़ी मतलब के चित्र हमें दिखते हैं, एंड दोस्त देखेंगे तो अकबर एक महान शासक कहा जाता है भारतीय इतिहास के अंदर, जिसने चित्रकला पेंटिंग्स में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया पेंटिंग को लेकर दोस्त, बाकी और सेक्टर में तो एक डिबेट का इशू है बट पेंटिंग में कह सकते हैं हम, ठीक है। चलिए दोस्त 13 चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद देखो मैं फिर से बता देता हूँ जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 चैप्टर है इसका आपके पास इंपॉर्टेंट, 7 चैप्टर के बाद डायरेक्टली आपको 13 चैप्टर पे आना है, ठीक है। देखो जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ वो उसको पहले करना है, टाइम मिले तो और चैप्टर जरूर देख लेना एक बार, ठीक है, लेकिन जो बता रहा हूँ पहले उसको करना है। देखिए 13 चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट, 13 चैप्टर में क्या क्या है क्वेश्चंस, चलिए एक बार देखते हैं। वुमेन फेस पेंटिंग का आपको ब्रीफली में डिस्क्राइब करना है, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग वुमेन फेस, इसके बारे में दोस्तों आपको बताना है। वुमेन फेस जो पेंटिंग है, देखो पेंटिंग सीपिया स्याही से बनाया गया है और इसकी बनावट हल्की है, चेहरे में एक
कह सकते हो कि बिल्कुल मुस्कुराहट तो एक गुण दिया गया है, बड़ी समझ वाली आंखों वाला एक मायावी सौंदर्य इसमें दर्शाया गया। स्त्री के ढके हुए सिर में एक गीत है, गीत मतलब ये दोस्त कह सकते हो कि एक सभ्य समाज सिविलाइज तरीके से बनाया गया। उनकी संवेदनशील अभिव्यक्ति प्रकृति और मानवता के साथ कवि की अपनी सहानुभूति को मतलब कि दिखाते, यानी कि द पेंटिंग हैज़ बिन डन इन दोस्त किसमें दोस्त है सीपिया के अंदर, इसको इंक से और लाइटली टेक्सचर से बनाया गया है, टेक्सचर पेंटिंग दोस्त देखा हुआ आपने। द फेस हैज़ अ ड्रीमी क्वालिटी एंड दोस्त ड्रीमी क्वालिटी मतलब कि देखते ही लगता है कि वाह भाई किसी सपने में खो गई है। एंड दोस्त काफ़ी सुंदर बनाया गया है और लार्ज अंडरस्टैंडिंग आइज है देर इज एंड दोस्त अब कह सकते हो कि अगर देखने में अगर मैं तो जो वुमेन की जो हेड है यानी कि जो उसका सर है उसको कवर किया हुआ है, ढका हुआ है। एंड सेंसिटिव एक्सप्रेशन दिखाया गया है उनके चेहरे पे है ना, और एम्पैथी विद नेचर एंड ह्यूमैनिटी को बताया गया कि कैसे एक मानवता को देखकर एक इंसानियत जगती है इंसान के अंदर, ठीक है। तो ये इस पेंटिंग के द्वारा बताया गया है मेनली। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, मूर्ति कला के ये किस प्रकार की सामग्री राम किंकर का उपयोग किया जाता है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल राम किंकर यूज टू फॉर स्कल्पचर। अब दोस्तों हम देखते हैं इसमें कौन सा यूज किया गया है। देखिए जो राम किंकर वेज ने जो इन्होंने जो यूज किया है दोस्त, उन्होंने मिट्टी यूज किया है, बालू, प्लस्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, कंक्रीट का इन्होंने यूज किया। द यूज ऑफ द सीमेंट है ना दोस्तों लेटर यहाँ पे जो मेन में जो इन्होंने यूज किया है वो यहाँ पे आपको बताना है। पर्सनल स्टाइल इन द बीच मॉडर्न वेस्टर्न एंड इंडियन प्री क्लासिकल स्कल्पचर्स मेनली दोस्त इन्होंने यानी कि आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन यूज किया है, ठीक है। और कह सकते हो काफ़ी मतलब कि इंडियन और जो टाइम था क्लासिकल वाला उसको इन्होंने इग्नोर करके जो मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर है उसका इन्होंने दोस्त यूज किया मेनली। इसमें मिट्टी, बालू, प्लस्तर, प्लास्टर और पेरिस, सीमेंट, कंक्रीट, तब जाकर दोस्तों एक पूरी स्कल्पचर इन्होंने एक पूरी मूर्ति इन्होंने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंटिंग जिसका नाम है एंडोनमेंट ऑफ ब्राइड की रचना का वर्णन क्या, यानी कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द पेंटिंग, क्या दोस्तों बताना है, एंडोनमेंट ऑफ ब्राइड, ठीक है, एंडोनमेंट ऑफ ब्राइड याद रखना दोस्त, पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो एंडोनमेंट ऑफ ब्राइड पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो एंडोनमेंट ऑफ ब्राइड जो है, तो ब्राइड यानी कि दोस्त एक दुल्हन को यानी कि दुल्हन का अलंकरण किया गया इसके अंदर। अब कह सकते हैं दोस्त जो एंडोनमेंट ऑफ ब्राइड जो है इसमें टोटली दोस्त कह सकते हो कि 5 फिगर्स दिखाए गए हैं और शेडिंग करके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज किया गया है। और तो इसमें मेनली दोस्त कहें हम इसमें स्लैमलेस इसमें बनाया गया, यानी कि कह सकते हो काफ़ी क्लीन है और कॉन्ट्रास्ट पार्टी को बांधती, यानी कि दोस्त अगर देखें तो शैडोज के रूप में इसमें दिखाया गया, ठीक है। महिला की जो पिक्चर्स हैं जो दुल्हन की उसको शैडो में दिखाया गया है, जो कि दोस्त एक तरीके से कह सकते हो कि बिल्कुल क्लीनर भी है। और इसके अंदर दोस्त पिंक्स, ग्रीन्स और वाइट्स कलर और ब्राउन कलर का दोस्त इसमें यूज भी किया गया है, लाइट ग्रीन का भी इसमें यूज किया गया है। एंड कैनवास जो तेलिया दोस्त कलर होता है, कैनवास इवन मेड एमिकेबल, यानी कि उसको काफ़ी यादगार बनाता है कैनवास जो इसमें यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त 13 चैप्टर के बाद हमें करना है 14 चैप्टर सबसे लास्ट का चैप्टर है। इस चैप्टर में जो मेन है हमारे लिए वो क्या है, मधुबनी चित्रकला पर एक टिप्पणी लिखी है, राइट अ नोट ऑन मधुबनी पेंटिंग। देखिए दोस्त अब हम मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं जो कि बिहार में है। देखिए मधुबनी जो चित्रकला है पेंटिंग जो है जिसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, जैसे कि बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल दोस्तों कुछ क्षेत्रों से मिलकर है ना, क्योंकि मधुबनी दोस्त ठीक बॉर्डर पर पड़ जाता है नेपाल के भी है ना, ठीक उसके पास ही आ जाता है ये। तो काफ़ी सारे यहाँ पे पेंटिंग्स मिले हैं हमें, रंगोली के रूप में यहाँ पे बने हुए मिले हमें है ना, कपड़ों, दीवारों और कागज़ पे भी बने हुए मिले हैं इस तरीके से दोस्त देख सकते हो है ना। तो मधुबनी की दोस्त जो मिलने जो पेंटिंग है जिसमें जो है ना सूरज वगैरह, चांद वगैरह को बनाया जाता है और रिलीजियस प्लांट्स वगैरह बनाया जाता है। ये देखिए ये धार्मिक प्लांट्स है जैसे कि तुलसी जी हो गए है ना, एंड काफ़ी सारी चीज़ों को पेंट किया जाता था, जैसे कि शादी समारोह पे है ना, कोई सोशल इवेंट्स हो गए, शादी वगैरह, तो उन सब चीज़ों के पे मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है, जैसे इस तरीके से पेंटिंग बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त हमारे पास, कालीघाट पेंटिंग का वर्णन करो, यानी कि डिस्क्राइब द कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, ये है कालीघाट पेंटिंग, ठीक है। ये देखिए कालीघाट दोस्तों पेंटिंग होती थी, उस पेंटिंग की जो खास बात यह है कि इसमें जो पेंटर्स हुआ करते थे वो कुम्हारों के द्वारा इसको बनाया जाता था, कागज़ पर बनाया जाता था, जल रंग का, यानी कि दोस्त हम देखते हैं ना जैसे कि
जो गीला कलर का जल रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें, पेंटर कलर, जो कि दोस्त बंगाल में कलकत्ता एक शहर है वहाँ पे हमें मिला है। ठीक है, कलकत्ता में छोटा सा भी शहर है उसके अंदर, कलकत्ता में वहाँ पे ये मिला है दोस्त हमें। तो कलकत्ता के आसपास और भी ऐसे शहर है वहाँ पे भी काफ़ी सारे ये पाए गए हैं, मैंने कलकत्ता में पाया गया है। लाइन यहाँ पे दोस्त देखोगे तो इनमें काफ़ी मतलब बोल्ड तरीके से बनाया गया है, लाइनों बोल्ड रंगों और है ना, देख ये जो येल्लो है दोस्त, येल्लो येल्लो पता आपको काफ़ी बोल्ड रंग है यहाँ ना, यानी कि दोस्त जब भी ये जल किसी की आंखों पे पड़ता है तो काफ़ी मतलब कि थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है, इसलिए इसको बोल्ड कलर कहा गया है। तो करेक्टराइज बाई ब्राइट कलर्स एंड बोल्ड आउटलाइंस, किसमें दोस्त, कालीघाट पेंटिंग के अंदर। तो ये काफ़ी यूनिक इसमें है, 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड में ये मिला है हमें, कहाँ पे, कोलकाता में, इसको आज कलकत्ता, ठीक है, यानी दोस्तों आज जिसको कोलकाता कहते हैं हम, है ना, कोलकाता, उसको दोस्तों पहले कलकत्ता नाम से जाना जाता था, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। एंड इसी टाइम से लेके दोस्त मैं इसमें क्या है, मैथोलॉजिकल यहाँ पे कुछ करेक्टर्स भी मिले, ये देखिए मैथोलॉजिकल गीत यहाँ पे संगीत बजाते हुए, है ना, गाना बजाते हुए। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल तो धरती कुछ ऐसी रही है जहाँ पे तो जन्मी हुआ है दोस्त उन महान, हमारे महान पुरुषों का कह सकते हो आप। तो ये जो टाइम पीरियड था तो उसे रिफ्लेक्ट करता है वैरायटी ऑफ थीम्स का, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे इस तरीके से पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो वारली पेंटिंग क्या है संक्षिप्त में बताएं, यानी कि दोस्त वारली पेंटिंग के बारे में बताना है, वारली वारली पेंटिंग, ठीक है। देखिए दोस्त, वारली पेंटिंग आदिवासी लोगों के द्वारा बनाया जाता था, जो ट्राइबल्स लोग होते हैं उनके द्वारा, जो कि महाराष्ट्र वगैरह में लोग जो रहा करते थे या महाराष्ट्र के जो आसपास लोग, उनके द्वारा ही बनाई जाती थी। ये देखिए दोस्त, ये है, ये पेंटिंग है मेनली जो ट्राइबल्स के द्वारा बनाई जाती थी। तो वारली पेंटिंग्स इज अ फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट मोस्टली क्रिएटेड बाई दी ट्राइबल पीपल, यानी कि ट्राइबल लोगों द्वारा बनाया जाता था, फ्रॉम द नॉर्थ, कहाँ पे, उस यानी जो महाराष्ट्र का जो नॉर्थ का पार्ट है, सह्याद्री रेंज हो गया महाराष्ट्र का वहाँ पे। तो दिस रेंज, ये जो टाइम पीरियड है दोस्त, ये क्या है, इनकम्पांच सिटीज सच है दोस्त, धनुआ हो गया है ना, तलासरी हो गया, जवाहर हो गया, पालघर हो गया, मोखाड़ा हो गया, जस्ट मेन मेन जो शहर है वहाँ पे हमें ये वाली पेंटिंग मिली है, मेनली पेंटिंग, क्लियर दोस्त। चलिए, तो ये यहाँ से हमारे सभी क्वेश्चन जो होते हैं मेनली वो यहाँ पे वो ख़त्म हो जाते हैं। मुझे दोस्त आपको इस एक चीज़ और बताना है, ये दोस्त मैंने आपको जो स्लाइड्स दिखाए हैं इनके मैंने लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने लास्ट ईयर दोस्तों जो क्लासेस ली है उन क्लासेस की वीडियोस दे दी मैंने आपको, देखो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझा दिया, ये वही फर्स्ट चैप्टर है, इससे पहले ही मैंने मैराथन क्लास ली हुई है, तो आप प्लीज़ इसको जरूर देख लेना। ये दोस्त पहले आप फर्स्ट चैप्टर को देखना, फिर आप इस वाली क्लास को देखना जो दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, फिर आप इस वाली नीचे वाली वीडियोज़ को देखना। तो दोस्तों आपको इन तीनों वीडियोज़ को देखना है जो मैंने अभी क्लास पूरी ले ली, इसको आपने समझ लिया, इनको मैंने नोट्स दे दिया है, प्लस दोस्त एक पेड नोट्स है हमारे, उस पेड नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना, वो उसके अंदर सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जैसे कि पेंटिंग एग्जाम आपका पूरा अच्छा जाए, ठीक है। तो वो भी आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया गया, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी दोस्तों ये स्लाइड्स फ्री में दे दिया गया आपको, स्लाइड्स फ्री आप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी पेड नोट्स है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल पर नए तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोस्त जरूर ऑन करना, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फाइनली कुछ बहुत बड़ी दोस्त अपडेट्स के साथ मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, सभी दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी का एग्जाम अच्छा जाए। चले दोस्त, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।